आप सभी को मेरा नमस्कार जय माता रानी की। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए नरक चतुर्दशी मतलब रूप चौदस की व्रत कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अत्याचारी और दुराचारी दुदान असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी ग्रह से मुक्त कराकर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह भी है कि रंती देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूतों को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है, फिर आप लोग मुझे क्यों लेने आए हो? क्योंकि आपके आने का मतलब है मुझे नरक में जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करिए और बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूतों ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी का पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूतों से एक वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा के पुण्य कर्म देखकर उन्हें एक वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानियों को लेकर ऋषियों के पास जा पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का आप व्रत कीजिए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें पड़ती हुई अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना कीजिए। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया और इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत किया जाता है।